नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस मॉड्यूल में। और इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। फेसबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली या फिर इनऑर्गेनिकली। अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स लाना चाहते हैं, ट्रैफिक लाना चाहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचना चाहते हैं तो फेसबुक एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा। इस मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं कि आपका कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी फेसबुक में क्या रहना चाहिए, आप किस तरीके से रीटारगेटिंग एड्स चला सकते हैं, फेसबुक एड्स चलाने के गोल्स क्या हो सकते हैं और कई सारे टूल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक वीडियो की तरफ जहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हमने फेसबुक मार्केटिंग के सेशन को इस कोर्स में कवर किया है। ओके, सो इस चीज को समझने के लिए चलिए क्रिएटिव हब में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन कौन से फॉर्मेट्स ऑफ एड चला सकते हैं। लेकिन पुराने सेशन में आपको मैंने बिल्कुल आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से टाइप ऑफ एड्स फेसबुक में चलते हैं, बट क्रिएटिव हब इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स आई विल गो हियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एड्स मैनेजर पे हूँ एंड यहाँ पर आपको क्रिएटिव हब पे जाना है। सो विल गो टू क्रिएटिव हब। सो विल गो टू क्रिएटिव हब। सो क्रिएटिव हब एक कमाल का टूल है जहाँ पर आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं अबाउट क्रिएटिव। लेट्स से सो आई एम जस्ट वेटिंग जस्ट अ सेक। क्रिएटिव हब, सो आप देख सकते हैं दिस इज द क्रिएटिव हब। सो आप देखिए अभी हम क्रिएटिव हब में आ रहे हैं। सो दिस इज द क्रिएटिव हब और यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको पता चल सकती है। आपको यहाँ पर रेफरेंसेस मिल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कौन कौन से एड कॉपीज फेसबुक में चलते हैं, उनके क्या रेजोल्यूशन होने चाहिए, साइजेस क्या होने चाहिए। आप इसको एज अ वर्क कोलैबोरेशन टूल जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट टूल रहेगा क्रिएटिव हब में, आप देख सकते हैं। और कुछ नए वर्जन भी आए हैं, यू कैन, आप हमेशा नए वर्जन को स्विच कर सकते हैं। बट जस्ट टू टेल यू, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सो देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेट्स। तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल है। सो दिस इज अ वीडियो, आप देख सकते हैं न्यूज फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, स्टोरीज है और आप देख सकते हैं आप वर्टिकल 9:16 है, 4GB मैक्स है और यहाँ से हम गाइडलाइंस देख सकते हैं। ना एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने हैं, सो यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको काफी सारे एड कॉपीज आपको मिल सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं, आपको आइडिया आ सकता है कि आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन आने वाले सेशंस में मैं बात करने वाला हूँ कि कई कमाल के तरीके जिससे आप कमाल का एडवर्टाइजिंग रिसर्च कर सकते हैं। सो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्रिएटिव हब के बारे में थोड़ा डिटेल में हमको जानना होगा और समझना होगा कि क्रिएटिव हब का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है और आप कैसे इसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि जब आप एड बना रहे हैं तो एड में क्या क्या चीजें काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है, ये भी हमको जानना होगा। एक डायग्राम से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ और हम सब मिलके कैंपेन क्रिएट करेंगे, एड कॉपी बनाने बिल्कुल बनाने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं आपको व्हाइट बोर्ड में लेके जा रहा हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, जैसा आपने मेरे पुराने सेशन में देखा कि किस तरीके से एक एड बनाया जा सकता है, आपको एक आइडिया लगा है, बट हम कुछ और चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर क्रिएटिव फ्रेमवर्क का बात करूँ फेसबुक एड का, सो आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको पुराने वीडियोज में बताया कि एड में एक हेडलाइन होने वाला है, एक कॉपी होने वाला है, आप देख सकते हैं। सो वन इज एड, उसके बाद हेडलाइन होने वाला है, फिर कॉपी होने वाला है, न्यूज फीड लिंक करके भी आता है, डिस्प्ले यूआरएल एंड लैंडिंग पेज यूआरएल, कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल है कि फेसबुक एड्स आपको बनाना क्या है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला चीज आपको बता दूं, फेसबुक एड बनाते समय आपको करीबन करीब 50 से 100 एड कॉपीज पे काम करना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको कमाल का आइडिया लग सकता है कि आप कौन से इमेजेस यूज कर सकते हैं, एक ब्रांड किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, हेडलाइन में क्या लिख रहा है, एड कॉपी में क्या लिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको रिसर्च करना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर आप फेसबुक एड लिख रहे हैं, भले ही आप उन लोगों को एड दिखा रहे हैं जो आपके बारे में नहीं जानते या फिर आप उन लोगों को दिखा रहे हैं जो आपके बारे में जानते हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने फेसबुक में आपके साथ इंटरेक्ट किया है या फिर आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो आपसे कई बार इंटरेक्ट कर चुके हैं और आप पक्का हैं कि ये आपके बिल्कुल कस्टमर बन सकते हैं। सो मैं तीनों फेज की बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस, एंगेजमेंट और कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक ऐड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर हुक होना चाहिए आपके ऐड में, पहला 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर वीडियो ऐड है तो। पेन पॉइंट्स बिल्कुल आपको सॉल्व करने होंगे कस्टमर्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सॉल्यूशंस के बारे में बात करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करना होगा, बिल्कुल। इसके साथ साथ हम सोशल प्रूफ और रिव्यूज के बारे में बात करेंगे।
सो हमको ये भी पक्का करना होगा कहीं ना कहीं हम रिव्यूज और सोशल प्रूफ में बिल्कुल काम करें, जिससे हम एक ट्रस्ट ट्रस्ट लेके आ सकें। डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को आपको हैंडल करना होगा अपने एड कॉपीज में। और ये करने के लिए हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, और जब मैं आपको शीट दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल अंदाजा आ जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको रिसर्च करना है, विच इज इम्पोर्टेंट। और कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि अगर आप सोशल प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं तो काफी तरीकों से हम ये सब चीजें ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बार्स पर्सनालिटी के बारे में तो बिल्कुल जानना होगा, बार्स पर्सोना के बारे में जानना होगा, यूजर जर्नी कस्टमर जर्नी के बारे में भी आपको जानना होगा, फेजेस के बारे में जानना होगा, तमाम इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी जब आप एड बनाए उससे पहले। और जस्ट आपको इलस्ट्रेट करने के लिए, आपको एग्जाम्पल देने के लिए, कई बार जब हम फेसबुक एड बनाते हैं तो हम क्रॉस चैनल दूसरे चैनल्स का भी प्रयोग करते हैं एड्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम अमेज़न रिव्यू से भी अपने एड्स को बना सकते हैं, हम गूगल एड्स से भी फेसबुक एड्स बिल्कुल बना सकते हैं, और हम गूगल माई बिजनेस पेज फॉर एग्जाम्पल उससे भी एड बन सकता है। तुमको जानना होगा कि एड कैसे बन सकता है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है जस्ट टू इलस्ट्रेट यू कि किस तरीके से हो सकता है। So, सिर्फ आपको बताने के लिए जब मैं क्रॉस चैनल बोल रहा हूँ, इस पर मैं और भी बात करने वाला हूँ, जब मैं शीट बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल अंदाजा आ जाएगा कि आप किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेज़न में मैं आया, एंड आई एम लुकिंग फॉर लाइट्स फॉर एग्जाम्पल, या टी शर्ट्स, राइट, टी शर्ट्स, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और यहाँ से हमको सारे प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, जिसको ज्यादा रिव्यूज मिले हैं, एंड वी कैन लर्न। अगर हम टी शर्ट बिजनेस में है तो हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन फाइंड एवरेज कस्टमर रिव्यू। So, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और आप कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए मेरा ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे, एंड आई कैन ऑलवेज यूज फिल्टर, मैं फिल्टर यूज कर सकता हूँ, आप विल डू दैट। सो आप देख सकते हैं सॉर्ट बाय लेट्स से एवरेज कस्टमर रिव्यूज, एक बार देख लेते हैं कितने प्रोडक्ट के रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। सो आप देख सकते हैं 826 है, 592 है, 485 रिव्यूज है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो लेट्स से इफ आई क्लिक हियर, सो आप यहाँ पर रिव्यूज में जा सकते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रिव्यू से आप फेसबुक ऐड बिल्कुल बना सकते हैं। सो यू सी हियर, विल सी द रिव्यूज, वी फाइंड ऑल फाइव स्टार रिव्यू, आप देखिए काफी सारे रिव्यूज हैं इसके। हम यहाँ से भी वी कैन मेक ट्रांसलेट रिव्यू टू इंग्लिश कर लेते हैं एक बार, हम यहाँ से भी फेसबुक ऐड बिल्कुल बना सकते हैं। सो यू कैन सी, सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपका कस्टमर या आपका होने वाला कस्टमर किन चीजों को ज्यादा पसंद करता है, तो काफी रिसर्च करने में मदद कर सकता है। बट इससे बिल्कुल एक कमाल के एड कॉपीज बनाए जा सकते हैं।